असलम मेरा फ्रेंड कैसे हैं सब, इंशाल्लाह सब खैरियत होंगे। आज हमारा लेग वर्कआउट है और आगा जो उनसे उसको जरूरी काम था वो चला गया। तो आज जुकीन के साथ फैट बर्न के लिए मैं करूँगा, जुकीन गेनिंग का करेगा और मैं फैट बर्न का करूँगा। और आज हमारा वर्कआउट है जो सर लेग वर्कआउट है। इसी तरह हमने आपको आज वीडियो जो थी हमारी चेक करें, चेस्ट का फैट, चेस्ट गेनिंग करना है आपने, विंग्स का फैट, विंग्स गेन करना है, बाइसेप ट्राइसेप गेन करना है, लूज करना है आपका बेली का। आज वीडियो हमारे इसी चैनल पर आसिफ जो चैनल है हमारा, और इसी पे हमने अपनी आज जो डाली हुई। और आज तो मैंने एक वीडियो बनाई है डाइट प्लान के लिए कि वेट लूज आप किस तरह होगा, इंशाल्लाह आपने वो फॉलो करना है वन मंथ में। इससे पहले पहले इंशाल्लाह गारंटी है 8 से 10 kg वेट आपका कम होगा। आज जो वर्कआउट है वो लेग वर्कआउट है, तो इंशाल्लाह हम अभी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इसके लिंक को शेयर किया करें। यार लाइक भी कर लिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, तो अरे लिंक को शेयर भी कर लिया करो। मेरे बड़े बड़े भरा चैनल है यार, की करते हो शेयर भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, करे करो। और अज सर आज जो हमारा वर्कआउट है पंजाबी बोलते बोलते पंजाबी बोलना शुरू हो गए। आज हमारा जो वर्कआउट है, और अच्छा कुछ भाई उनके मैसेज थे कि आसिफ भाई यार पंजाबी में बनाया करें वीडियो, इंशाल्लाह अब तो हमने बना दी है उर्दू में। इंशाल्लाह जो आने वाली वीडियोज होंगी वो पंजाबी में होगी, फुल पंजाबी जितनी मुझे आती है वो वाली पंजाबी। तो इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। हमारा जो सा लेग वर्कआउट है, सबसे पहले स्क्वाट्स लगाने हैं। स्क्वाट्स का स्टार्ट करना है 20 20 के आपने 3 सेट करने हैं, पर मैं जो सा 25 30 उतने सेट करता हूँ। आप जितने ज़्यादा करें आपके लिए उतना अच्छा है। आपके जितने मर्जी थाई मोटे हैं, जितने मर्जी फैटी हैं, क्रिटिकल सेंटर हिप पे आपके बहुत ज़्यादा फैट है, इनर पे बहुत फैट है, लेग नीचे से मोटे हैं, आज आपको प्रॉपर वर्कआउट लगाऊंगा। लेग वर्कआउट किस तरह आपने करना है, सबसे पहले हम स्क्वाट्स लगाएंगे। स्क्वाट्स किस तरह करने हैं मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो ये जो सर गेनिंग के लिए कर रहा है, तो इसको चाहिए कि सिर्फ 15 फीट, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो वार्म अप होता है। और मेरा काम होता है कम से कम 25 30 50, जितने मेरे ज़्यादा लग सके। आपने अपनी लेग्स की वी शेप बनानी है, बिल्कुल वी शेप, और शोल्डर पे हाथ रखने और पूरा नीचे पे रखना है 1, ये और फुल ऊपर नहीं खड़े होना। अपने नियो को आपने सीधा खड़ा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, आप बिल्कुल नीचे गए हम 1 2 3 4 5 6 7 8, बस एंगल चेंज कर लो ताकि आपको पता लगे किस तरह लगाना है। 9, कमर आपने बिल्कुल सीधी रखनी है। 10 11 12 13 14 15 16 17, कमर को ऐसे करना आपने सेट करनी है। सिर्फ ये आपके लिए कर रहा हूँ कि आपको पता लगे, आपने इस तरह नहीं करना कि अक्सर मैं ऐसे लगा रहा हूँ तो आप भी घूम घूम के लगा रहे। 18 19 20 21 22 23 24 25, इसी तरह के आपने 25 30 35 40, जितने आपसे लग सके इसी तरह आपने 3 सेट कवर करने हैं। उसके बाद हमारा जो सेट है वो सबसे पहले हमने लेग प्रेस लगानी है। वो लेग प्रेस के एंगल है वो आपको गाइड कर दूँगा किस एंगल आपने लेग प्रेस लगाना है। अच्छा, सबसे पहले हमने जो वो स्टार्ट करना है हमारा जो है फ्री स्क्वाट्स लगाने हैं। आपने फ्री स्क्वाट्स आप 25 30 जितने आप लगाना चाह रहे हैं लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा लेग प्रेस, सबसे पहले हमने लेग प्रेस लगानी है। तो की गेनिंग की कर रहा है, तो आज शेन नहीं आया हुआ तो मैं उसके लिए करूँगा। तो गेनिंग के लिए आप 10 या 12, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना। अगर किसी लग रहा है तो उसमें वेट ऐड करें। पाँव भी हमने वी बनानी है, वी बना लिया हमने खाना है। 1 मिनट, ये वी दिखाएं जरा, अपने लेग्स को आपने वी बना के रखना इस एंगल पे। कुछ लोग होते हैं बहुत नीचे चले जाते हैं, आपने नीचे नहीं जाना, आपने सेंटर पे रहना है और पाँव की वी बनानी है। चलो कमॉन, और पुश करना है और पूरा नीचे आना है, हाफ ही लगाना। और आपने अपने लेग्स को सीधा नहीं करना, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना लेग आपके सीधा ना हो, पूरा ऊपर पूरा नीचे 4 5 6 7 8 9, कमॉन 10। अच्छा, कुछ लोग होते हैं थाईस को अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, नहीं ये बिल्कुल सही एंगल है ये वाला कि थाई आपके बाहर की तरफ जाए, आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं ताकि आपको पता हो कि आपने जिम में जाके किस तरह एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, ये तो गेनिंग के लिए कर रहा था, इसे 12 लगाए, इसे इसी लगे, इसका काम बनता है इसमें वेट ऐड कर लेना ताकि टफ लगे। मैं 1 मिनट सेट आपको लगा के बताने लगी, आपने 3 सेट करने हैं। और मेरा काम बनता है कि मैंने अपने लेग कम कर लिया, तो कम से कम 25, इससे कम नहीं है।
आपने पूरा नीचे आना है ऐसे वन, और लेग्स को ऐसे सीधा नहीं करना, याद रखें कभी भी आपने लेग्स को ऐसे सीधा नहीं करना, इससे आपका सेंटर से टूटने का खतरा होता है। आपने अक्सर वीडियो देखी होती है कि जहां से टूट जाता है, आपने ध्यान देना है चीज का। टू, पूरा नीचे आना, थ्री फोर फाइव, और कोई स्पीड नहीं, आराम से जितना आप लगा सकते हैं, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, कम ऑन, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, फाइव मोर फोर मोर, कम ऑन आसिफ, चल 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 चल, अभी भी फाइव फाइव में ला सकता हूँ, कोशिश करूंगा, क्योंकि कोशिश करें, जब आपसे लग रहे हैं तो यार कोशिश करना आपने लगाने का। वन टू थ्री फोर फाइव, यस, लाजमी नहीं कि आप बहुत ज्यादा वेट डाल के आवाजें निकाल रहे हैं, आवाजें तब निकलती है जब आपको मसल हार्ड होते हैं, दर्द होते हैं, तो तब आपको मजा आता है एक्सरसाइज करने का, तो वो ही एक्सरसाइज है। अगर आपका ट्रेनर आपसे 20 कह रहा है, बोल रहा है आपसे 20 इजी लग गया, आपको लगता है कि यार आप 5 होल लगा सकते हो, 6 होल लगा सकते हो, तो कोशिश करो लगा दो, ये ना कहो सोचो कि यार मैं लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि आपका मसल कह रहा लगाओ तो लगाओ।